टोटल तक इसे बाद में को लेकर यदि कोई दूर का प्रश्न बनता हूँ तरह साथ में देखें तो बात कही हमारे जिले के 6 केंद्र हो सकते हैं। स्थूलतम देखें तो सुविधा है, सुविधा को केंद्र में रखे जी रहे हैं, सुविधा संग्रह वो उसमें ही लाभ कमाने के लिए पूरा ध्यान दे रहे हैं। उसके ऊपर जाते हैं तो शरीर पर ध्यान देते हैं, कि शरीर बेहतर से बेहतर हो जाए, शरीर में उपलब्धि हो जाए, उस पर ध्यान देते हैं। और थोड़ा ऊपर जाते हैं तो शरीर से अनुकूल संवेदना मिल जाए, उसको सुख मान कर उस पर ध्यान देना रहता है। माय गॉड, शिफ्ट मिलता है एक जब हम संबंध पर ध्यान दे पाते हैं। संबंध में भी दो संभावना है कि जिसके से ऊपर अनुकूल भाव मिल जाए, एक संभावना है वो भाव मुझे स्वयं में स्थापित हो जाए जो सहज स्वीकृत भाव, दूसरी संभावना है। तो जब दूसरे से कुछ अनुकूल भाव पाने में लगे रहते हैं वहाँ भी स्वतंत्रता होती है, हम हमारे सुख की गति निश्चितता होती है, निरंतरता होती है, दूसरे पर निर्भर होते हैं, कोई तृप्ति बंदी नहीं दिखाई देता, पर सबका सुख अलग अलग दिखाई देता है। इनफैक्ट नीचे से अगर यहाँ तक आप देखें दूसरे से भाव पाने का, तो ऐसा लगता है कि सबका सुख अलग है, सुविधा के लिए काम करते हैं कभी लगता है कि सबका सुख अलग है, किसी को एक सुविधा चाहिए, किसी को दूसरी सुविधा चाहिए, शरीर को भी लेकर अलग अलग मान्यता बनी रहती है, संवेदना पाने में भी अलग अलग पूरा वेरिएशन दिखाई देता है और दूसरे से भाव पाने में वेरिएशन बना रहता है। और क्योंकि आदमी यहीं जी रहा है तो एक प्रचलित मान्यता है कि सबका सुख अपना होता है, ये बहुत ही प्रचलित मान्यता है कि सबका अपना अपना सुख होता है, तो सभी साथ साथ सुखी कैसे हो सकते हैं, वह सुख की बात तो हो सकती है परंतु वह सुख की निरंतरता नहीं हो सकती, निश्चितता नहीं हो सकती। एक बात महत्वपूर्ण जो समझने की है वो ये है कि सुख अपने आप एक निश्चित भाव है, और ध्यान देते तो दिखता है कि हमारे जीने का जो पूरा फैलाव है, अगर वहाँ पे मुझे हारमोनी समझ में आती है, व्यवस्था संगीत समझ में आता है, तो मैं व्यवस्था और संगीत में जी पाता हूँ और ऐसा जीकर मैं सुखी होता हूँ। तो अपने अंदर व्यवस्था की समझ, व्यवस्था के भाव से मैं सुखी बना रहता हूँ, उसको जब मैं शेयर करता हूँ जिनके साथ में जीता हूँ उनके साथ सुख बना रहता है, तो एक मेजर शिफ्ट मिलता है जब हम इन चीज़ों से आगे स्वयं पर ध्यान दे पाते हैं, संस्कृति पर ध्यान दे पाते हैं, तो उनको दिखता है कि सबका सुख एक ही है, एक बात। दूसरी बात, सुख मेरा स्वभाव हो सकता है, सुख के लिए बाहर भागने की जरूरत नहीं। एक दूसरा मेजर बात है जो ध्यान में आ सकता है, सुख के लिए हमको बाहर भागने की जरूरत नहीं है। जैसे अभी ये दिखाया था कि हमारे से जो कम उम्र के जो कजिन ब्रदर सिस्टर्स हैं उनके धीरे धीरे जॉब लग रही है, तो उनके अंदर बहुत सारी इच्छाएं थी विदेश घूमेंगे, है ना, और घूमते हैं, फिर फोटो लगा रहे हैं, शेयर करते हैं, और मैं कहीं घूमता फिरता तो किसी ने मुझसे कहा कि आप कहीं घूमते फिरते नहीं हैं, तो मैंने कहा कि मुझे समझ में आ गया कि सुख के लिए बाहर भागने की जरूरत नहीं है। तो अगर ये अपने को ध्यान में आ जाए कि सुख का स्रोत भीतर है, इतना समझ भगदड़ चल रहा है समाज में, इसकी आवश्यकता नहीं है। स्वयं पर ध्यान देते हैं तो स्वयं में जो सहज स्वीकृत भाव है उस पर ध्यान जाता है, और स्वयं में जो व्यवस्था की समझ है उस पर ध्यान जाता है। तो एक बार ये शिफ्ट मिलता है अपने आप को तो संबंध, व्यवस्था और सहस्तित्व इन पर ठीक से ध्यान जाता है, अपने को दिखता है कि संबंध का भाव सुनिश्चित हो जाए, व्यवस्था की समझ हो जाए, सहस्तित्व का अनुभव हो जाए, तो सुख की निरंतरता बनी रहती है। ये भी दिखता है कि ये क्षमता मुझ में भी है, ये क्षमता दूसरे में भी है, और हर एक मनुष्य के सुख का यही स्रोत है। तो अपने जीने का कार्यक्रम स्पष्ट हो जाता है कि मुझे स्वयं का विकास करना है, स्वयं में चिंतन, बोध, अनुभव, इन क्रियाओं को जागृत करना है, दूसरे की जागृति में सहयोग करना है, यही कुल करने का काम है। अगर जीने की उपलब्धि देखें तो भी यही है कि मेरे अंदर ये क्रियाएं जागृत हो जाए, संबंध में, निर्वाह में, तृप्ति में भी जो कार्यक्रम बनता है, ये बनता है कि हमारे संबंधी के अंदर ये क्रियाएं जागृत हो जाए, यही कुल कार्यक्रम है। तो अपने को दिखता है शरीर तो सामयिक है, सुविधा भी सामयिक है, सुविधा के माध्यम से जो बाहरी वस्तुओं का संपर्क है वो भी सामयिक है, मैं निरंतर हूँ, तो मुझ में ऐसी क्या उपलब्धि हो जिसकी निरंतरता हो सकती है। जो कल्पनाशीलता की वस्तु है अगर वो सुविधा केंद्रित है, शरीर केंद्रित है, संवेदना केंद्रित है, या दूसरे से भाव पाने के आधार पे है, तो उसमें भी निश्चितता नहीं है, निरंतरता भी नहीं है, सामयिक हो गई। तो एक प्रश्न अपने अंदर बनता है कि अल्टीमेटली इस पूरी शरीर यात्रा की ऐसी क्या उपलब्धि है जिसको मैं कह सकूँ कि उपलब्धि है वो जो मेरे साथ पड़ी रहेगी, कि मेरी क्रियाओं का विकास हो जाए। तो एक बार ये फोकल पॉइंट बन जाए
कि अल्टीमेटली तो मुझे अपनी क्रियाओं का विकास करना है, चिंतन बोध अनुभव ये क्रियाएं हमारे अंदर जागृत हो जाए। यही मेरा विकास है, यही हमारे बच्चे का विकास है, यही हमारे स्पाउस का विकास है, यही हमारे मित्र का विकास है, यही पूरे समाज का विकास है। ये भी दिखता है कि पूरे प्रकृति में विकसित होने वाली एक ही इकाई है, चैतन्य इकाई। जड़ इकाइयों में तो कोई विकास होता नहीं, उसमें तो परिवर्तनशीलता है। तो पूरी शरीर यात्रा का प्रयोजन भी स्पष्ट होता है, जीने का कार्यक्रम भी स्पष्ट होता है। और दिखता है कि जब मैं अपने आप में इस बात को स्पष्ट रूप से देख पाता हूँ तो मुझे एक छोर पर स्वयं में अनुभव के लिए काम करने की प्रेरणा बनती है, दूसरे छोर पर धरती का हर मानव सुखी हो जाए, समृद्ध हो जाए, ऐसी एक परंपरा बन जाए पीढ़ी दर पीढ़ी, उसके लिए भागीदारी करने की प्रेरणा बनती है। तो एक छोर पर स्वयं अनुभव के लिए गतिशील रहते हैं, दूसरे छोर पर मानवीय परंपरा के लिए गतिशील रहते हैं। ये कार्यक्रम अगर हमको स्पष्ट रूप से दिखाई दे तो प्रायोरिटी बनी जाती है, प्रायोरिटी बनती है तो दिखने लगता है। कई बार ये बात होती है कि दिख नहीं रहा है ना, दिख नहीं रहा क्योंकि प्रायोरिटी नहीं बन पा रही। और हमें से हर एक के साथ है, मेरे साथ भी है, आपके साथ भी है, प्रायोरिटी बनती है तो देखते हैं। देखने वाला दृष्टा मैं ही हूँ, तो मुझमें दिखेगा तो मुझे तो पता चलेगा ही। कई बार ये भी प्रश्न बनता है कि कैसे पता चलेगा कि दिख गया है, तो मुझमें ही वो क्रिया होनी है ना, जब दिखेगा तो मुझे ही पता चलेगा। जैसे मेरे अंदर विचार चलता है मुझे उसका पता चलता है, मेरे अंदर आस्वादन होता है उसका मुझे पता चलता है, मेरे अंदर भाव होते हैं उसका पता चलता है। फिर जब स्पष्ट रूप से व्यवस्था दिखेगी तो भी पता चलेगा, कोई भाव चिंतन में आएगा तो भी पता चलेगा, सब कुछ अनुभव में आएगा तो दिखेगा। तो कुल जो बात की जा रही है अगर उसको नक्शल में लिखें जितनी बात है, इसको लेकर यदि किसी का कोई प्रश्न हो। इसमें शरीर और संवेदना को अलग अलग क्यों कहा गया है, इसका कैसे भेद क्या है? शरीर में देखें तो जैसे शरीर को लेकर भोग की प्रवृत्ति या स्वास्थ्य को अगर ठीक से ना समझें, स्वास्थ्य के अर्थ में सुविधा का भोग करना या शरीर को संरक्षण देना, शरीर को पोषण देना, इसकी प्रवृत्ति बनी रहती है। तो हमारे में दृष्टि बनी रहती है कि शरीर में अगर अधिक से अधिक भोगा जाए तो उसे सुखी हो जाएंगे, तो शरीर के पोषण के लिए, संरक्षण के लिए अधिक से अधिक योजना कार्यक्रम बनाते हैं, अधिक से अधिक सुविधाओं का भोग करते हैं, वो एक तरीका है। संवेदना में देखें तो हमारे अंदर एक दृष्टि होती है कि अनुकूल संवेदना में जैसे सुखी हो जाएंगे, तो इसको प्रिय की दृष्टि का है ना, वैसा एक दृष्टि के साथ हम विचार कर रहे होते हैं कि अनुकूल संवेदना मिल जाए। जैसे उदाहरण के लिए तो ऐसा हो सकता है कि ऐसे एक उदाहरण अगर लिया जाए कि ठंड है ना, एक रजाई से ठंड दूर हो सकता है, बट यदि शरीर को लेकर हम भयभीत होते हैं तो एक रजाई दो रजाई तीन रजाई उड़ सकते हैं। तो शरीर को संरक्षण देकर यदि सुखी होने का भाव रखा जाए तो कितनी रजाई की जरूरत पड़ेगी तय करना मुश्किल है। मेरे संबंधी का रजाई भी मुझे मिल जाए है ना, यही भाव हो सकता है। तो ये एक स्थिति हुई जिसमें हम शरीर को अधिक से अधिक संरक्षण देकर सुखी होने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो इसमें जो लाइन है ना, शरीर और संवेदना में और शरीर और सुविधा में, बहुत थिन लग रही है, क्योंकि जब हम कहते हैं कि शरीर को ध्यान में रखते हुए हम सुविधा का भोग लेते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं सुविधा से जुड़ रहा है, या फिर अनुकूल संवेदना से सुखी होने का तो रजाई उड़ करके हम अनुकूल सुविधा संवेदना पाने की कोशिश कर रहे हैं, तो बहुत थिन लग रहा है। हाँ, उसको देखें तो दिखेगा आपको कि शरीर वाले ने शरीर का भय बना रहा था यहाँ पे। तो जो मेजर मोटिवेटिंग फैक्टर है कि शरीर कहीं ना चला जाए या शरीर में कोई कमी ना हो जाए, इससे हमारा दुख ना शुरू हो जाए, इसलिए शरीर से अधिक से अधिक भोग कर सुखी होना है, जो प्रवृत्ति होती है इस प्रकार की होती है। संवेदना वाले में वो भय वाला मामला नहीं है, अनुकूल संवेदना पाकर सुखी होने का है। काम से अच्छा था, ध्वनि मिल जाए, जीभ को स्वाद मिल जाए, आपको दृश्य मिल जाए, ये वाली प्रवृत्ति ज्यादा होती है। व्यवस्था में भागीदारी की बात है, व्यवस्था में भागीदारी जैसे एक नेचुरल इकोसिस्टम वाली व्यवस्था में भागीदारी को समझ सकते हैं, बट ये जो पॉलिटिकल इकोनॉमिकल सोशल सिस्टम है जिसमें हम हमारे भागीदारी की बात देखते हैं, तो वहाँ जब नीचे से ऊपर हम जाते हैं तो वो स्ट्रगल बढ़ गया, वो जो हमारा बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस वहाँ आता है, उसके लिए क्या करें? देखिए, जब हम लोग समाज की व्यवस्था की बात करते हैं तो तीन मुद्दों पे बात होती है। एक तो मानव लक्ष्य जो ह्यूमन गोल है वो हमको समझा जाए कि समाज में भागीदारी का भी लक्ष्य क्या होगा, तो हर मानव समझदार हो जाए, हर परिवार समृद्ध हो जाए, समाज में परस्पर विश्वास हो, अभय हो,
और प्रकृति में संस्थित हो, ऐसा हमको लक्ष्य स्पष्ट होता है। तो अभी जो सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिस्टम भागीदारी करने जाते हैं, कई बार लक्ष्य ही क्लियर नहीं होता, मेजर चित्त वही हो जाते हैं। उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए समाज के कई आयाम निकलते हैं, है ना, शिक्षा संस्कार है, स्वास्थ्य है आदि। तो उसमें भी दिखता है कि मूलभूत कार्यक्रम शिक्षा का है, क्योंकि शिक्षा से समाधान का समाधान से फिर बाकी चीजें धीरे धीरे निश्चित होंगी। फिर उसको जब हम व्यवस्था में लेके जाते हैं तो उसका दिखाई देता है कि व्यवस्था की मूल इकाई परिवार है, तो परिवार से फिर परिवार समूह, परिवार समूह से फिर परिवार समूह का समूह, इसको ग्राम कहते हैं, सो ऑन। तो एक सोपानीय व्यवस्था दिखाई देती है कि स्टेप बाय स्टेप हम कैसे पूरे विश्व को एक परिवार के रूप में देख सकते हैं। तो अभी क्या होता है, अभी हम जो प्रयास करते भी हैं समाज में परिवर्तन के लिए, एक तो लक्ष्य स्पष्ट नहीं होता, तो समाधान भी हमारे पास नहीं होता, तो हम समाधान के लिए प्रयास करने के बजाय समस्या से जूझना शुरू करते हैं। जैसे समाज में करप्शन फैल गया, सरकार बदल दो, ये सरकार करप्ट है, अगली सरकार आ जाएगी, ठीक, पर करप्शन का रूट क्या है तो स्पष्ट नहीं है। तो सरकार आती ही नहीं, शुरू में कुछ ऐसा करती है जो लगता है करप्शन चला गया, फिर करप्शन ऐसे याद होता है। नीट नोटबंदी के पहले 16 लाख करोड़ रुपए सर्कुलेशन में थे, अभी डेटा आया कि 30.88 लाख करोड़ रुपया सर्कुलेशन में आ गया है। 2016 से 2022 के बीच में 6 साल में सर्कुलेशन देखें तो लगभग दुगना हो गया है, 16 करोड़ से करीब 31 लाख करोड़, 16 लाख करोड़ से। तो करप्शन तो गया नहीं, हम कुछ मेजर्स लेते हैं वो ठीक है, परंतु यदि हमारे पास कुछ समाधान नहीं है तो हमारे मेजर्स कई बार सिर्फ डिफीटिंग हो जाते हैं, करप्शन रोकने गए थे करप्शन और बढ़ गया। तो पूरी क्लैरिटी होनी जरूरी है, एक बार जो बात करते भी ना कि समाधान और उपाय वो अलग चीज है। तो ज्ञान के साथ समाधान होता है, हम समाज में अगर एक संस्कृति के रूप में ये बात स्थापित कर पाए कि अनुभव तक पहुंचना ही हमारे जीने का लक्ष्य है, ठीक, तो एक नई संस्कृति का निर्माण हो सकता है, तैयारी हो सकती है। फिर उसके साथ इन सब समस्याओं को उपाय के द्वारा दूर करना कोई मुश्किल काम नहीं है। एक बार दिख जाए कि जो सुविधा है शरीर के साधन है, शरीर मेरा साधन है और मेरा साथ ही क्या है, ज्ञान है, समाधान है, तब तो ये दूर हो पाएगा। अदरवाइज कुछ भी करिए, अगर जीने के केंद्र में सुविधा ही बनी हुई है, शरीर ही बना हुआ है, संवेदना बना हुआ है, तो आदमी ये मानते हुए मैं गलत जी रहा हूँ, उसको लगता सही जीने का विकल्प तो है नहीं, इस समय तो मैं बात नहीं हूँ। जैसे अगर हम अपने आप में भी देखें तो अगर हम एक और दो पे ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं, या स्वयं में सही भाव करके ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं, तो हमको पता भी लगता रहता है कि अनुकूल संवेदना ले रहे हैं, है ना, वर्कशॉप में तो बात हुई है कि ये सुख नहीं है तो प्रतंत्रता है, परंतु अभी उस समय उस क्षण उसका विकल्प नहीं दिखता। तो ये दिखाई देता है कि चाहना भी तो हर मनुष्य ठीक ही है, ठीक है ना, अपने तक जांच परख नहीं हुई है तो अपनी मान्यताओं के दबाव में है, संवेदनाओं के प्रभाव में, इसलिए गलत कर रहा है। और उसे निकाल पाना अगले व्यक्ति को तभी स्पष्ट हो पाता है जब हम एक विधि से निकल पाते हैं। तो ये दिखता है कि कोई नियम कानून शासन दबाव बनाकर आप अधिक से अधिक थोड़ी देर के लिए नियंत्रित तो कर सकते हैं समाज को, उससे कोई सस्टेनेबल चेंज नहीं आएगा। और अभी तक अगर आप देखें तो सुविधा को केंद्र में रखकर पिछले शताब्दी में बहुत सारा काम हुआ, कम्युनिस्ट जो सरकारें बनी उसी को ध्यान में रखे बनी, बट अभी आप देखें तो कम्युनिस्ट सरकारें क्या कर रही हैं। तो जैसे बताते हैं ना सोशलिज्म में कि ऑल आर इक्वल, यानी एक एनिमल फार्म है बुक है लिविस कैरल का, उसमें लिखते हैं ऑल आर इक्वल बट वी आर मोर इक्वल देन अदर्स। तो अभी हम इस स्थिति में हैं, तो ये भी अपने को देखने बनता है कि स्वयं अगर हम ध्यान दें तो अभी हमारा जीना यहाँ पे यदि मैं पे भी केंद्र मिले जाए तो अभी कहाँ है, हम ज्यादा समय एक्सपेक्टेशन के लेवल पे जी रहे हैं या थॉट के लेवल पे जी रहे हैं या डिजायर के लेवल पे जी रहे हैं। तो दिखता है कि संक्रमण तो डिजायर के लेवल से शुरू होता है, इसलिए अभ्यास एक में जो बात कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि विचार पे तो हम चीजें ध्यान दे लेते हैं, भाव पे ध्यान दें, भाव पे सजग हो, पर भाव में परिमार्जन हो। तो भाव में परिमार्जन जो काली तीर है ये बेसिकली भाव में परिमार्जन है, कि जो हमारे अंदर भाव बना हुआ है अभी इसमें उल्टा पलटा है, उथल पुथल है, वो सहज स्वीकृत भाव हमको चिंतन में आ जाए, हमको दिख जाए। तो अभी हम विचार कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि दूसरा मुझे सुखी करना चाहता है, मैं ध्यान दे रहा, अभी विचार है।
ये बात हमको स्पष्ट रूप से दिख जाए तो दूसरा मुझे सुखी करना चाहता है, तो कोई शंका ही नहीं होगी, वो दूसरा कोई विचार ही है, ये दिख जाना चिंतन है। तो ये भी हमको अपने आप में देखना बनता है कि अभी हम सेलेक्टिव टेस्टिंग लेवल पे ज्यादा जी रहे हैं या रिलाइजिंग कंपेयरिंग पे ज्यादा जी रहे हैं। तो ये दिखेगा कि ऐसा हो सकता है कि कभी हम इस स्तर पे ज्यादा जी रहे थे, संवेदना के लिए समर्पित थे, उसके बाद हम विचार करने लगे। ठीक, अब हम बहुत सारी चीजों का विश्लेषण करते हैं, आपस में तुलन करते हैं, उसके बाद फिर हम कोई निर्णय लेते हैं। परंतु यदि भाव निश्चित नहीं हुआ है तो उसमें उथल पुथल लगा रहता है, उसमें विकल्प बने रहते हैं, तो फिर भाव पर सजग होते हैं तो यहाँ तय हो पाता है भाव के स्तर पर कि ये सहज स्वीकृत है कि नहीं, विचार में तय नहीं होता। कई बार हम विचार जब सहज स्वीकृति में जाकर लोकेट करने का प्रयास करते हैं तो उसमें कई विकल्प लगते हैं, लगता है ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है। जैसे वर्कशॉप में कई बार जो प्रश्न आते हैं उसमें कई बार क्लैरिफाई करना पड़ता है कि एक्सेप्टेंस है कि नेचुरल एक्सेप्टेंस है, क्योंकि भाव का स्तर नहीं देख रहे तो विचार में लगता है कि ये भी ठीक बैठ सकता है वो भी ठीक बैठ सकता है। भाव का स्तर पर देखते हैं तो बहुत स्पष्ट दिखता है कि संबंध का भाव है या अन्यथा है, व्यवस्था का भाव या अन्यथा है। तो फिर संबंध का भाव जब यहाँ पे देखने जाते हैं और चूंकि दिखता है कि तो गति में है तो यहाँ पे तो स्थापित होगा नहीं, तो यहाँ पे काम करना पड़ेगा, स्थिति में जाना होगा, है ना। तो संबंध का भाव पता लगने के बाद भी वो हमारे में तब तक स्थिति नहीं होता जब तक हम जाकर चिंतन पे काम नहीं करते, तो फिर धीरे धीरे यहाँ काम शुरू होता है। यहाँ होता है तो जितना हमारे चिंतन में आता है उतना फिर हमारे को संकल्पित होता है कि इसके आधार पर जीने की योजना बने, कार्यक्रम बने, है ना। फिर उससे आगे वो वस्तु अपने आप में क्या है उसको समझना बनता है, फिर वैसा जीना है आगे, उसके लिए प्रमाणित होना है, वैसा जीने में जाना है, व्यवहार कार्य में भागीदारी में उसकी प्रेरणा बनती है। फिर किसी पॉइंट पर जाकर ऐसा लगता है कि अस्तित्व को पूरा जैसा है वैसा ही देखना बनता है, उससे कम में इसमें पूर्णता नहीं है, कुछ ना कुछ अंश शेष रह जाएगा, प्रश्न शेष रह जाएंगे, शंका बनी रहेगी, अनुभव के लिए काम करना है, ऐसी प्रेरणा बनती है। हम सब यहाँ पे कहीं गति कर रहे हैं, इसमें से अपने को यहाँ पे पहुँचना है। इसमें कई बार ये भी होता है कि कितना समय लगेगा, तो मुद्दा समय लगने का या कितना समय लगेगा ऐसा नहीं है, मुद्दा ये है कि हमको दिखाई दे कि यही सुख है, तो हम जो भी करेंगे इसी के अर्थ में करेंगे। तो प्रश्न हमारे अंदर बनता है कब तक होगा, क्योंकि हमारे अंदर हो सकता है अभी यहाँ पे कुछ काम हो रहा है, तो लगता है अनुभव का भी सुख मिले, है ना, और इसका भी सुख मिल जाए। हम किसी भी क्षण में वही करते हैं जिसमें हमको सुख लगता है, तो हमको दिखे ज्ञान से ही सुख है तो ज्ञान भी लगेंगे, कहीं कुछ और में भी सुख हो सकता है उसके लग जाते हैं। अब सिर्फ पूछा था फिर भी एक बार और पूछते हैं कि अब तक वो क्लियर नहीं है कि विचार और वो चिंतन का फर्क क्या है। देखिए विचार में ना जैसे ये सारा कुछ विचार में जा सकता है, सुविधा के लेन देन का विचार, उसे विचार में हम तुलन करते हैं, है ना, तो उसमें लाभ की दृष्टि काम कर सकती है कि जैसे हम किसी के साथ एक्सचेंज करना है तो वहाँ पे मूल में क्या है, संबंध है या अधिक से अधिक कम से कम सुविधा देकर अधिक से अधिक सुविधा लेना। तो विचार में देखेंगे तो सुविधा के लेन देन पे लाभ की दृष्टि बनी रह सकती है, शरीर को लेकर भोग की दृष्टि बनी रह सकती है, संवेदना को लेकर, है ना, अनुकूल संवेदना पाने की दृष्टि बनी रह सकती है, और ये भी हो सकता है कि संबंध के साथ हम तुलन करें, व्यवस्था के साथ तुलन करें, अपने को ध्यान में रखकर तुलन करें, ये भी हो सकता है, तो उसमें वो विकल्प बने रहते हैं। चिंतन में जब भाव स्पष्ट होता है तब दिखता है कि कोएग्जिस्टेंस, हार्मनी, रिलेशनशिप, गार्गेट, ये सारी दृष्टियाँ हो सकती है, सेंसेस, हेल्थ एंड प्रॉफिट। जैसे अगर हमारे में चिंतन की क्रिया होती है तो संबंध स्पष्ट होता है, संबंध स्पष्ट होता है उससे संवेदनाएं नियंत्रित होती हैं, सुविधा की आवश्यकता निश्चित होती है, संबंध में जो लेन देन करना है वो निश्चित होता है भाव के साथ। जब तक कि भाव अपने आप में निश्चित नहीं होता इसमें विकल्प बने रहते हैं, उल्टा पुल्टा चलता रहता है, इसलिए आप पाएंगे इसमें हमको बहुत समय लगाना पड़ता है तुलन में। कोई भी योजना बनानी हो, कार्यक्रम बनानी हो, हमको बहुत समय लगता है। हम संबंध को एक विचार भी करते हैं, जैसे घर पे एक आयोजन करना है, आप विचार करते हैं कैसा दूसरा हाथ हो जाए, मैं ऐसा दूसरा, है ना, लगे कि बहुत ये हमने बहुत कम में निपटा दिया ठीक से उसका, आप अगर नहीं किया आदि आ जाए पाएंगे। एक छोटे से व्यक्ति मतलब अवसर पे किसी व्यक्ति को रिसीव करने में हमारे बहुत विचार चलता है, और यदि भाव निश्चित हो जाए तो इतना सारा श्रम नहीं लगता। तो इस वाले भाग में मीटू में बहुत सारा श्रम बना रहता है, यहाँ जब भाव निश्चित होते हैं तो विश्राम की स्थिति मिलने लगती है, यहाँ जो बहुत सारा मेहनत है, उथल पुथल है, इसकी जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप में
तृप्ति दिखाई देने लगता है भाव के साथ। पावर नंबर वन, पावर नंबर टू बता दीजिए। वो शब्द नहीं रखे गए हैं क्योंकि मुख्य मुद्दा तो इन क्रियाओं पर ध्यान देने का है। वो शब्द अभी इसको इसलिए ओपन रखा गया है, वहां कोई भी शब्द रख लें, मुख्य मुद्दा है कि हम कोई क्रिया दिखाई दें। अभी और शब्द जोड़े जा सकते हैं जो प्रचलन में होते हैं, परंतु मुख्य बात है कि हमारे अंदर ये संक्रमण हो रहा है कि नहीं, जिस तरह से ये संक्रमण हो रहा है जब होना बनता है वो पा रहा है कि नहीं। उसे ऑथेंटिकेशन मिल सकता है क्रिया, तो जैसे ऑथेंटिकेशन के साथ एक शब्द यहाँ पे लिख सकते हैं जो प्रमाणिकता कहते हैं पावर के रूप में, एक शब्द जो कहा जाता है उसको प्रमाणिकता है। संकल्पता ऐसा भी होगा दूसरा एक शब्द यहाँ रखते हैं वैसे ही, मतलब देखिए बहुत सारे शब्द आ जाएंगे फिर, इसलिए इस पर ध्यान दिया जाए। भैया जैसे आपने चिंतन का बताया कि इस तरीके से प्रमाणित होता है खुद के अंदर कि हम भाव सुनिश्चित होते हैं हमारे अंदर, और उस तरीके से कुछ हद तक हमारे अंदर वो संयम बनता है कुछ, तो अब जो बोध की जो अनुभव होता है बोध की, हाँ ये बोध हुआ है हमारे अंदर, उसका क्या किस तरीके से प्रमाण मिलता है? बोध का मतलब है कि हमको व्यवस्था स्पष्ट हो गई, इकाई स्वयं में एक व्यवस्था है ये हमको स्पष्ट हो गया। तो किसी भी इकाई को देखें तो स्वयं में एक व्यवस्था है और अपने से बड़ी व्यवस्था मान रहा है। जो शरीर को देखें तो शरीर अपने आप में व्यवस्था है, हम लोग नाश्ता लिया और शरीर अपना काम कर रहा है, व्यवस्थित ढंग से काम कर रहा है। हम लोग कई बार इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं कर पाते कि शरीर अपने आप में व्यवस्था है और व्यवस्थित ढंग से काम कर रहा है, बट ये भी देखने में आता है कोई इकाई बनी हुई है किस प्रकार बनी हुई है, कैसे व्यवस्थित बनी हुई है शरीर, कैसे व्यवस्थित बना हुआ है, और शरीर मेरे साथ भागीदारी कर रहा है, जब मैं बोल रहा हूँ तो शरीर की भागीदारी हो रही है। तो शरीर अपने आप में व्यवस्था है और अपने से बड़ी व्यवस्था जिसमें मैं भी शामिल हूँ, है ना, भागीदारी कर रहे हैं। वैसे इस कमरे में जितनी भी चीज़ों को देखें तो अपने आप एक व्यवस्था है, प्रोजेक्टर अपने आप एक व्यवस्था है, तो पॉइंटर अपने आप एक व्यवस्था है, हमने इसे बैटरी लगा दिया, जब तक बैटरी में वो है ना केमिकल्स हैं तो बढ़िया काम करता रहेगा, बैटरी में केमिकल्स एग्जॉस्ट हो जाए खत्म हो जाए वो नहीं काम करेगा, ये भी व्यवस्था है। तो जो व्यवस्था बनी हुई है तो इतना प्रकृति की हर इकाई स्वयं में एक व्यवस्था है और पूरी प्रकृति ही व्यवस्था है। इस बात को जब मैं स्पष्ट रूप से देख पाता हूँ, सिर्फ विचार नहीं करता अनुमान नहीं करता, उसको नाम दिया बोध। तो कोई भी इकाई की भागीदारी स्पष्ट होती है तो उसके साथ उसकी व्यवस्था भी स्पष्ट होती है। जैसे मैं अपने आप में स्पष्ट होता हूँ क्या हूँ तो मुझे अपनी भागीदारी भी स्पष्ट होती है और मेरा होना भी स्पष्ट होता है। तो मैं एक इकाई हूँ ये बोध में दिखता है अपने को, इकाई के रूप में व्यवस्थित हूँ मैं और मेरी भागीदारी इस संबंध में, ये भी दिखाई देता है। प्रकृति की अन्य इकाइयाँ हैं जड़ हो या चैतन्य हो, है ना, अलग अलग अवस्थाओं के रूप में व्यवस्था के रूप में बनी हुई है और भागीदारी कर रही है। तो कोई इकाई जब स्पष्ट होती है तो उसके स्वयं में व्यवस्था और अपने से बड़ी व्यवस्था भागीदारी दोनों स्पष्ट होता है, तो ये दोनों साथ साथ चलते हैं। इकाई की व्यवस्था स्पष्ट होते होते उसके और आधार को हम देखना शुरू करते हैं कि अल्टीमेटली इस व्यवस्था का भी आधार क्या है, कैसे पूरी प्रकृति व्यवस्थित है, कैसे ये शरीर व्यवस्थित है, अपने आप में व्यवस्था तो ठीक है कैसे व्यवस्थित है, इसके आधार में क्या है, कैसे मैं व्यवस्थित हूँ। जैसे मेरे अंदर विरोध का भाव आता है मैं दुखी हो जाता हूँ, संबंध का भाव आता है मैं सुखी रहता हूँ, इसके आधार में क्या है, कैसे हो रहा है, उसको जब हम अपने आप में देखने जाते हैं तो उसके आधार में शून्य दिखाई देता है। शून्य में बने रहते हुए हर इकाई नियंत्रित है, पूजित है, परस्परता में पहचान लिए, निर्वाह कर लिए। तो जितना जितना हम ऊपर की ओर काम करते हैं उतना उतना हमको और आधार में जाकर क्या है ना वो दिखाई देता है। तो इसलिए यहाँ पे जब हमको अस्तित्व का अनुभव होता है तो उसको कहा सत्य, सत्य दिखता है, पूरा अस्तित्व अस्तित्व के रूप में है इसको ही सत्य का, उसके साथ व्यवस्था दिखती है, उसके साथ हमें संबंध दिखाई देता है। अनुभव के साथ ये होता है कि अभी तक जो हम क्रमशः थोड़े थोड़े में देख रहे थे उसकी पूर्णता आ जाती है, अब संपूर्ण दिख गया, अब कोई शंका नहीं रही। डायनामिक इसलिए कहा क्योंकि ये नीचे की क्रियाओं को ना जैसे जिनको एक्टिव करता है, तो जैसे अगर हम देखें संकल्प मतलब संपूर्णता के अर्थ में कल्पनाशीलता का निश्चित होना, तो जब हम संकल्पित होते हैं
तो उससे हमारे भाव है ना, अगर अनुभव के साथ देखें, अनुभव हो गया, सृष्टि का अनुभव हो गया, ऐसा ही जीना है, ऐसा अपने में एक निर्णय होता है, उसको प्रमाण का, उससे जो प्रकृति की व्यवस्था हमको अभी आंशिक रूप से स्पष्ट हो रही थी, उसमें पूर्णता आ गई, उसके आधार पर पूरी कल्पनाशीलता इसी आधार पे निश्चित होनी है ना, ये एक अपने आप में निर्णय होता है, इसको संकल्प का, उससे भाव में पूर्णता आ गई, उससे हमारे चित्रण में अब वो बात पूर्णता में जा रही है, जीने के हर स्तर पे हमको व्यवस्था पूर्वक जीना है, संबंध पूर्वक जीना है, ये अपने आप में निर्णय हो पाता है, चित्रण में भाव स्पष्ट होता है, फिर उससे हमारा जो तुलन है ना, जो अभी पहले यहाँ पे चल रहा था गृहित लाभ में, अब इसके साथ पूर्ण हो जाता है, अब जब हम विश्लेषण करते हैं पूरी समझ के साथ करते हैं, तो हमें हर बार सुख का आस्वादन होता है, उसके साथ ही हम हर बार निर्णय लेते हैं जीने का, और फिर हमारे व्यवहार कार्य में जाता है, तो अल्टीमेटली हम यहाँ से ऑपरेट होने लगते हैं। भैया कोई काम हमें करना है वो संकल्प के साथ करना है या सहजता के साथ करना है? देखिए अभी जिसको संकल्प कह रहे हैं, यहाँ जो संकल्प लिखा है उसमें अंतर है, अभी तो जो हम संकल्प लेते हैं वो तो कहीं विचार में हम एक निर्णय लेते हैं, कुछ विश्लेषण करते हैं, नहीं अगर संकल्प के साथ कोई काम करेंगे उसमें हमारी कंटिन्यूटी होगी, जो सहजता के साथ करेंगे वो बेटर नहीं है? वही तो यहाँ पर जो संकल्प लिखा है वो तो सहजता ही है, अभी असहज होकर जो संकल्प लेते हैं वो तो निर्णय है, वो हट नहीं हो सकता है हमारा, एक निर्णय में लिया बिना समझे हुए कह रहे उसको संकल्प, बट वो निर्णय पर भी हम टिके हो सकता है रखना ही, तो फिर वो दबाव लगता है अपने आप में, समय को चला दीदी से बात करें जी, एक प्रश्न उत्तर ही चल रहा है, तो कार्यक्रम को दिखाई देता है अभी हम जहाँ खड़े हैं वहां से एक छोर पे अनुभव के लिए काम करना है, दूसरे छोर पे देखें तो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था, उसके साथ मानवीय परंपरा भागीदारी के लिए काम करना है कि अपना कार्यक्रम स्पष्ट होता है, ये बात हमको हर क्षण दिखाई दे, तो हम अभी जहाँ भी है जिस भी प्रोफेशन में है जिस भी जगह पे है हमारा कार्यक्रम धीरे धीरे स्पष्ट होता है, हम खुद से ही निर्णय ले पाते हैं कि अगला निर्णय क्या हो जो इन दोनों छोर को पूरा करे, मुझे अपने लिए पर्याप्त समय मिले ताकि मैं अनुभव के लिए काम कर पाऊँ, और पर्याप्त अवसर मिले ताकि मैं सार्वभौम व्यवस्था में भागीदार हो पाऊँ, कि अगर अपने को ध्यान में हमेशा रहे तो हमारे आगे की गति के लिए, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, टीम डेवलपमेंट के लिए, सोसाइटी डेवलपमेंट के लिए एक आधार मिल जाता है, क्या भी अगर अपने कोई इतना ही ध्यान में आ जाए कि हम तो अखंड समाज के अर्थ में विचार कर रहे हैं, तो फिर ये जो संबंधों में जो हम खंडित होते रहते हैं तो उसका मूल्यांकन तो हो ही जाता है कि अभी तो टीम के साथ भी अगर हम खंडित हो जा रहे हैं तो अखंड समाज में कैसे भागीदार होंगे, ठीक है, बढ़िया, धन्यवाद।